दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। लिवर डैमेज होने के कुछ संकेत। दोस्तों ये बात तो आपको भी पता है कि हमारी बॉडी में मौजूद हर एक अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर के कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके बिना तो काम ही नहीं चलता। हमारे दिल, दिमाग, फेफड़े और किडनी की तरह ही हमारा लीवर भी शरीर में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स में से एक होता है। आपको बता दें ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में मौजूद होता है। लिवर मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्लैंड है, क्योंकि जिस तरह घर पर लगा प्योरीफायर पानी की गंदगी को दूर करके हमें शुद्ध पानी देता है, ठीक उसी तरह हमारा लीवर शरीर में मौजूद सभी गंदगी और विषैले पदार्थों को फिल्टर करके हमारे खून को साफ और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे शरीर द्वारा किए जाने वाले कई तरह के काम पूरी तरह से लीवर पर डिपेंड करते हैं। फिर चाहे वो चोट लगने पर जख्मों का भरना हो या फिर शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखना हो, ये सब कुछ किसी न किसी तरीके से लीवर ही तय करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लीवर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो चीज महत्वपूर्ण है उसकी सुरक्षा बनाए रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको लीवर खराब होने के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाला हूँ जिन पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो मौत भी हो सकती है। ये लक्षण कौन से हैं चलिए जानते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले संकेत की अगर हम बात करें तो अक्सर पेट खराब रहना, बार बार गैस बनना या फिर डकारे आना, खाना ठीक से न पचना, जी मचलाना या फिर उल्टी जैसा महसूस होना, लिवर खराब होने के सबसे शुरुआती लक्षण होते हैं। क्योंकि जब हमारे लिवर में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो कुछ भी उल्टा सीधा खाने पर हमारे पेट की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। इसी कारण हमारा पेट अक्सर खराब रहता है और कभी कभी सिर दर्द का भी सामना करना पड़ता है। जब लीवर खराब होता है तो उसके काम करने की गति कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीमा होने लगता है। इसी वजह से हमारे पेट को खाना ठीक से पचाने में मुश्किल होने लगती है। इसलिए अगर आपका पेट साफ नहीं होता है या फिर आप पेट से जुड़ी समस्याओं से लगातार परेशान रहते हैं तो इसका संबंध लीवर से हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को बार बार पेट से जुड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो एक बार अपना लीवर जरूर टेस्ट करवाएं। दोस्तों वैसे तो इस तेज लाइफस्टाइल में थकान होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हमारा लीवर खराब होना शुरू होता है तो शुरुआती दिनों में हमें अधिक थकान और आलस आता है। हालांकि अगर ये चीज आपके साथ कभी कभी हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आप रोज थकान और आलस के साथ साथ कमजोरी से जूझ रहे हैं तो इसका संबंध हमारे लीवर से भी हो सकता है। लीवर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने के कारण उसके कार्य करने की क्षमता कमजोर होने लगती है। यही वजह कि शरीर में मौजूद दूसरे अंदरूनी अंगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इस कंडीशन में हमारा शरीर जल्दी थकान महसूस करता है और इसे आराम करने की भी जरूरत पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से थकान महसूस हो रही है तो उसे एक बार अपना लीवर जरूर टेस्ट करवा लेना चाहिए। दोस्तों जब हमारे लीवर पर विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो उस पर लोड पड़ने लगता है, और फिर लीवर में मौजूद टॉक्सिन्स शरीर के फैट सेल्स में जमा होने लगते हैं, जिस वजह से चर्बी बढ़ने लगती है। और जब लीवर की खराबी की वजह से जल्दी बड़ी होती है तो इस तरह से वजन को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में भी लोगों को अपने लीवर का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। वैसे तो कई सारे खाने वाली चीजें और गलत आदतों की वजह से मुंह में बदबू आती है, लेकिन कई सारी कंडीशन में मुंह से आने वाली बदबू के पीछे खराब हो रहा लीवर भी वजह हो सकता है। असल में हमारे लीवर और पेट की समस्या साथ साथ चलती है, इसलिए लीवर खराब होने पर पेट खराब होना लाजमी है। और जब पेट खराब होता है तो हमारी सांसों से बदबू आने लगती है, जो कि लीवर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का शुरुआती लक्षण है। दोस्तों जब कभी भी हमें खराब हो रहे लीवर के बारे में पता नहीं चलता और हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं तो हमारा लीवर खुद ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। अब इस कंडीशन में जब दूसरे कामों के साथ साथ लीवर को अपने आप को ठीक भी करना होता है तो इस कंडीशन में लीवर कमजोर और धीमा पड़ने लगता है, और जब लीवर धीमे काम करता है तो शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर बॉडी में मौजूद फ्लूइड यानी कि तरल शरीर के निचले हिस्से में जमा होने लगते हैं, जिस वजह से आपके पैरों में सूजन आने लगती है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत अपने लीवर का चेकअप करवा लीजिए। जब कभी भी हमारी आंखों या नाखून का रंग पीला होता है तो हम इसे जॉन्डिस यानी पीलिया के लक्षण मानते हैं,
लेकिन हम आपको बता दें, पीलिया अपने आप में लिवर खराब होने वाली ही बीमारी है। असल में कमजोर लिवर शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा को बढ़ा देता है। ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक पीला पदार्थ होता है, और जब खराब लिवर के चलते शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो ये हमारे शरीर, आंखों और त्वचा में पीलापन पैदा करने लगता है। बढ़े हुए बिलिरुबिन को कम करने के लिए हमारा लिवर उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है, जिस वजह से पेशाब का रंग पीला और ब्राउन नजर आता है। वैसे तो स्किन में होने वाली एलर्जी अधिकतर इन्फेक्शन और बैक्टीरिया की वजह से होती है, लेकिन कई बार त्वचा में होने वाली खुजली और लाल निशान के पीछे खराब लिवर की वजह हो सकती है। जब हमारे लिवर में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका असर हमारी त्वचा पर भी होने लगता है। हमारी स्किन अधिक सेंसिटिव हो जाती है और अलग अलग जगह पर लाल निशान नजर आने लगते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो शरीर से जुड़ी बहुत सी परेशानियों में भूख लगना कम हो जाती है, और लिवर का खराब होना भी उनमें से एक है। जब हमारा लिवर ठीक तरह से काम नहीं करता तो उसका सारा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। भोजन ठीक तरह से नहीं पचने के कारण धीरे धीरे भूख समाप्त हो जाती है। डाइट में कमी, बार बार चक्कर आना या फिर खाने के बाद उल्टी जैसा महसूस करना खराब लिवर के ही लक्षण है। दोस्तों, ज्यादातर खून के थक्के तब जमते हैं जब हमें कोई चोट आती है, लेकिन अगर अपने आप ही खून के थक्के जम रहे हैं या फिर हल्की सी चोट पर आपको उसके निशान कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये थे खराब लिवर के कुछ ऐसे लक्षण, जो अगर आपके सामने आए तो तुरंत अपनी जाँच करवाएं। बाकी आज की वीडियो में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।